हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउसवाइफ कॉर्नर में। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है प्याज आलू के मिक्स पकौड़े। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू और 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इन्हें हम छील करके लंबे लंबे पीसेस में काट लेंगे। और ये हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये प्याज हमने लंबे लंबे पीसेस में काट ली है, तो इसको हम एक बाउल में कर लेंगे। ये आलू भी हम लोगों ने लंबे लंबे पीसेस में इस तरह काट लिए हैं। और पानी से अच्छे से इनको वॉश कर लेना है। पानी से वॉश करने के बाद में हम इन्हें इसी में प्याज में मिक्स कर देंगे बाउल में। अब हमने लिया है 1 कप बेसन। एक चौथाई कप सूजी। हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हरा धनिया बारीक कटा हुआ। लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। आधी चम्मच जीरा। अजवाइन हाथों से क्रश करके डालेंगे। और हम डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार करेंगे। और इसका घोल तैयार करने के बाद में हम इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ढक के। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तेल भी हमारा गर्म हो गया है। तो अब हम इसे पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे पकौड़ियाँ बनाएंगे और कढ़ाई में डालेंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे, क्योंकि ये फिर ऊपर से तो सिक जाएंगे पर अंदर से ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे, अंदर से अच्छे से नहीं सिक पाएंगी। और हमने दोनों तरफ से पलट करके, एक साइड से हमारी सिक गए तो हम दूसरी साइड से पलट देंगे। और दोनों तरफ से पलटते हुए हम अच्छे से इनको सेक लेंगे, जब तक कि इनका कलर डार्क ब्राउन नहीं हो जाता है। थोड़ा सा अभी और सेकेंगे हम लोग इन्हें। देख रहे हैं ना, दोनों तरफ से कलर चेंज हो गया है इसका। अभी थोड़ा सा हम इसे और सेकेंगे, 2 से 3 मिनट। ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ बिल्कुल सिक करके अच्छे से तैयार हैं। दोनों साइड से देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है, गोल्डन ब्राउन कलर जो आया है वो कितना अच्छा आया है। इसको हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से अलग हो जाए। ऑब्जर्व कर लेगा टिश्यू पेपर। तो देखिए हमारे ये पकौड़े बिल्कुल बन के तैयार हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी है। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।